ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में समन किया जारी। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है। एजेंसी ने उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह दूसरा समन है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपश्यना मेडिटेशन पर रहेंगे। इसके लिए वे 19 दिसंबर को रवाना होंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना का अभ्यास कहां करेंगे। कि केजरीवाल जी विपश्यना जाने वाले हैं, आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता। आम आदमी पार्टी ने उनके स्थान के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। सीएम केजरीवाल पिछले साल भी विपश्यना पर गए थे। इस दौरान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का कामकाज संभाला था। ईडी इसी हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाए बिना ही चार्जशीट दायर कर सकता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।